दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्किन से सन टैन को हटाना चाहते हैं तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा उपटन लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ आपके चेहरे को गोरा करेगा, आपके शरीर से, आपके फेस से सारी सन टैन को हटाएगा। अगर आपके झाइयों के मार्क्स हैं तो वो दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन का कलर बहुत सुधर जाएगा, पहले से टेक्सचर बहुत क्लियर हो जाएगा, आपकी स्किन एकदम खिलकर बाहर आएगी और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर फेशियल हेयर्स हैं तो उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करेगा। तो देरी किस बात की, इतना एक्साइटेड है तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रुक जाइए, जरा दिल थाम लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली बाउल लेना है, उसमें आपको ऐड करना है आधा टमाटर का जूस। टमाटर के जूस में क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो आपके कलर को फेयर करता है, आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं उनको हटाता है और साथ में आपकी स्किन के टेक्सचर को सुधारता है, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो नॉर्मल होता है वही आपने इसमें ऐड करना है क्योंकि आपकी स्किन के टेक्सचर को सुधारता है। साथ में हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है, इसमें हम ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किचन हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपको फेस को, अगर अपने टेक्सचर को सुधारना है और फेस पैक कभी भी बनाना हो तो कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपके चेहरे पर पीला दाग नहीं छोड़ती है और आपके स्किन के कलर को फेयर करती है। तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर लीजिए। और अपना लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। आधा नींबू का आप जूस ऐड कर लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव है तो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही ऐड करें, और अगर बिल्कुल सूट नहीं करता तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप 1 चम्मच खट्टा दही का इस्तेमाल कर लीजिए। अब इस पूरे फेस पैक को यानी इस उपटन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कोई भी टाइमिंग्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं तो आपको इस फेस पैक को बहुत अच्छे से सुखा लेना है, बिल्कुल एकदम ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ हल्के हाथों से आपने मसाज करके इसको उतारना है, जिससे कि आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो इससे रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पहले से जो हेयर ग्रोथ थी वो भी बहुत कम हो गई है। अब बात करते हैं रिमूव, अगर आपको नॉर्मल सन टैन के लिए करना है तब आपको इस फेस पैक को ज्यादा नहीं सुखाना। आप थोड़ा सा इसको सुखाइए, उसके बाद हल्का हल्का पानी का हाथ लगाइए चेहरे पर, हल्के हल्के तरीके से रब करिए और अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। आपको हफ्ते में 2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करना है अगर आप अपने स्किन को एकदम क्लियर बनाना चाहते हैं, उसे जितनी भी सन टैन है यानी जितनी भी काली परत हो गई है आपकी स्किन पे वो हटाना चाहते हैं तो 2 बार इनफ है। इस फेस पैक का इस्तेमाल रात को सोने से पहले ही करें ताकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन और डस्ट और पसीने से खराब होती है। तो जैसे आप घर पर आए, आपने चेहरा पहले अपना धो लेना है साबुन से, उसके बाद इस फेस पैक को इस्तेमाल करना है, देन ठंडे पानी से धोकर आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और सो जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा कि सुबह उठकर आपको कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सनस्क्रीन लगाकर आपको घर से बाहर निकलना है। तो ऐसी कुछ बेहतर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, पानी का इस्तेमाल जरूर करें, बहुत ज्यादा पानी पिए और अपने साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। अपने घर के बाहर कोई भी प्याला रख सकते हैं, उनका भी ख्याल रखें, खाने को उनको जरूर दें या पीने का पानी तो जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।